हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं 48 नंबर मैच के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है एमआई यानी मुंबई इंडियंस और आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। और ये मैच होने वाला है 28 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे से अबूधाबी क्रिकेट स्टेडियम में। तो ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है और ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये दोनों टीम ही इस साल के आईपीएल में बहुत ही बढ़िया तरह से खेल रहा है, तो मैच देखना ही पड़ेगा और बहुत बढ़िया भी मैच होने वाला है ये। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस दोनों टीमों का फुल प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है इस मैच के लिए, और इस मैच में कौन सा टीम जीतने वाला है और कितना विनिंग परसेंटेज से जीतने वाला है वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग मेरा चैनल के सभी वीडियो तो देखते हैं लेकिन एकदम भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा और मेरा थोड़ा नहीं बहुत ही भला हो जाएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए एमआई यानी मुंबई इंडियंस के टीम के फुल प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो इस मैच में ओपन करने वाला है रोहित शर्मा और क्विंटन डीकॉक। उसके बाद तीसरे नंबर पे सूर्या कुमार यादव, 4 नंबर पे ईशान किशन, 5 नंबर पे कैरन पोलार्ड, 6 नंबर पे कुणाल पांड्या, 7 नंबर पे हार्दिक पांड्या, उसके बाद 8 नंबर पे राहुल चाहर, 9 नंबर पे जेम्स पैटिंसन, 10 नंबर पे ट्रेंट बोल्ट और लास्टली 11 नंबर पे जसप्रीत बुमराह। तो ये मुंबई इंडियंस की टीम का फुल प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 हो सकता है इस मैच के लिए। आप लोगों को क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका राय ही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। उसके बाद अगर आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की फुल प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात किया जाए, तो सबसे पहले ओपन करने वाला है देवदत्त पाडिकल और उसके साथ एरन फिंच या फिर जॉस फिलिपी के बीच में कोई भी एक। उसके बाद तीसरे नंबर पे विराट कोहली, 4 नंबर पे एवी डिविलियर्स, 5 नंबर पे गुरकिरत मान या फिर शुभम दुबे के बीच में कोई भी एक खेलने वाला है। उसके बाद 6 नंबर पे वाशिंगटन सुंदर, 7 नंबर पे क्रिस मॉरिस, 8 नंबर पे ईशोर उदाना, 9 नंबर पे मोहम्मद सिराज, 10 नंबर पे नवदीप सैनी और लास्टली 11 नंबर पे युजवेंद्र चहल। और अगर स्पिनिंग विकेट हुआ तो 8 नंबर पे ईशोर उदाना के जगह पर एडम जाम्पा भी खेल सकता है। तो यही आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फुल प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है वो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। तो इस दोनों टीमों में से आप लोगों को कौन सा टीम ज्यादा ताकतवर लग रहा है इस मैच के लिए वो भी आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, और कौन सा टीम जीतने वाला है वो भी आप मुझे अभी कमेंट करके बता दीजिए। तो उसके बाद अगर बोला जाए कि इस दोनों टीमों में से कौन सा टीम जीतने वाला है और कितना विनिंग परसेंटेज से जीतने वाला है, तो ये बोलना बहुत ही टफ होगा, क्योंकि दोनों टीम ही बहुत ही बढ़िया तरह से खेल रहा है और दोनों टीमों के पास ही मुझे लगता है कि 50-50 चांसेस होने वाला है इस मैच को जीतने का। क्योंकि पहले भी जब इस दोनों का टक्कर हुआ था तब भी सुपर ओवर ही हुआ था और सुपर ओवर के बाद ही खेल का नतीजा आया था, तो इस ये मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ भी पहले से कहा नहीं जा सकता है इस मैच के लिए। और लास्टली मैं अगर पर्सनली बोलूं, मतलब मेरा राय अगर आप लोगों को दूं, तो सॉरी मुंबई फैंस, मैं चाहूंगा कि इस मैच को आरसीबी जीते, क्योंकि आरसीबी इस साल बहुत ही बढ़िया तरह से खेला है और मुंबई तो हर साल ही बहुत ही बढ़िया तरह से खेलता है, तो मुंबई का तो क्या ही कहना। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए और अभी के अभी बताइए, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसी वीडियो डेली और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।